तो फ्रेंड दिल पे हाथ रखे बताना कि इस कॉलेज को सर्च आउट करने करने के पीछे या खुद से सर्च कर रहे हो या किसी ने तुम्हें इस कॉलेज के बारे में बता दिया है कि कॉलेज काफ़ी बहुत बढ़िया है। तो स्वागत है, मेरा नाम हुआ चंदन। तो आज हम देने वाले रिव्यू मर्सी मकेंद्रेश्वर यूनिवर्सिटी अम्बाला कैंपस के बारे में, जिसको हम प्यार से कहते हैं MMU अम्बाला। तो चलो इस कॉलेज के हम रिव्यू दें, तो इस कॉलेज के बारे में समझना। देखो मेरा कोई किसी कॉलेज का पेड रिव्यू नहीं रहता है, तो जो भी दूंगा सच दूंगा, और कहते हैं ना कि सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। तो यार मर्सी मकेंद्रेश्वर यूनिवर्सिटी का लोकेशन जो है तुम्हारा अम्बाला में है, और कैंपस जो स्टार्ट हुआ है ये तुम्हारा 1993 में कैंपस स्टार्ट हुआ है, यानी कि लगभग जो 29 ईयर्स ओल्ड कैंपस हो चुका है, यानी कि 29 ईयर ओल्ड कम नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज आपको जो दिखते होंगे हमारे इंडिया में, चाहे किसी भी लोकेशन पर, मैक्सिमम कॉलेज का जो स्टार्टिंग डेट रहता है वो 2000, 2001, 2003, 2005 ऐसे मिलते होंगे। लेकिन कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटी, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो आपका 1995 से पीछे का कैंपस है, यानी कि 1993 का कैंपस है महर्षि मकेंद्रेश्वर यूनिवर्सिटी। और इसका अगर बात करूँ तो यार MMU का तो आपका इसको NAAC A+ ग्रेड का मान्यता प्राप्त है। वही बात करें इस कैंपस का, तो कैंपस आपका बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है। अब कोर्सेज में जो ऑफर करता है, आपका UG PG जैसे कोर्सेज ऑफर करता है, जिसमें आपका इंजीनियरिंग है, हॉस्पिटल के कुछ कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज हैं, हेल्थ केयर है, फार्मेसी, बहुत सारे कैंपस के पास कोर्सेज मौजूद है। और कैंपस के पास बहुत ही बड़ा कैंपस है, हरियाणा में है कैंपस, और हरियाणा में मेरे ख्याल लगता है कि ठीक है कैंपस अच्छा है, क्योंकि कुछ भाई कुछ बहनों का भी कमेंट्स आ रहा था मेरे पास, मैसेज आ रहा था, भैया जब इतने वीडियो बना दिए हो तो इस कॉलेज का भी एक छोटा सा रिव्यू दे दो। तो ठीक है, कॉलेज की बात करो तो ओवरऑल ठीक है, और जो मैक्सिमम मुझे इस कॉलेज का जो इंक्वायरी मेरे पास जो आता है, ठीक है, जो मैक्सिमम लोग मुझसे इंक्वायरी करते हैं, जो छोटे भाई बहन, वो मैक्सिमम बिहार या नेपाल से ही मिलते हैं। क्योंकि देखो कॉलेज को मैं कभी इसको ये नहीं कह सकता कि कॉलेज बहुत ख़राब है, ठीक है, अगर मैं यूट्यूब के माध्यम से अगर कॉलेज किसी को ख़राब कह रहा हूँ तो यार कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी कुछ ना कुछ पाबंदियाँ है। तो बाकी कॉलेज का ठीक ठाक है, ओवरव्यू देखा है तो कॉलेज ठीक है, इसका लोकेशन वाइज देखा तो लोकेशन भी ठीक है, अम्बाला में है कॉलेज, आपका नेक है, ग्रेड प्लस भी है, साथ साथ आपका फ़ी भी आपके अफोर्डेबल है। लेकिन कुछ ही अच्छे इसमें जो कुछ ही ऐसे कोर्स है मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है इनका प्लेसमेंट। मैं सारे कोर्सेज को नहीं बोलूँगा कि सारे का प्लेसमेंट बहुत ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही मुझे इसमें कोर्सेज, कुछ ही ऐसे ब्रांचेज में लगे जो कि हाँ यहाँ से करने के बाद बच्चे को कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें इसमें आपको इसमें बेनिफिट ये भी है प्लेसमेंट का, कि प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे कंपनी ठीक ठाक आता है, ठीक है, कुछ कोर्सेज का प्लेसमेंट यहाँ ठीक ठाक है, और जो प्लेसमेंट क्लेम करता है, जो मैंने हर जगह चेक किया प्लस इनके खुद के जो वेबसाइट पर चेक किया, 21 लाख रुपीज़ का आपका 21 यानी 21 लाख रुपये का हाइस्ट प्लेसमेंट क्लेम करता है कॉलेज। और जहाँ तक मैं देख पाया, कुछ बच्चों से भी मैंने बात किया, तो ओवरव्यू मुझे ये समझ में आया कि जो मिनिमम प्लेसमेंट जो लग जाता है बच्चों को इस कॉलेज से, 3 लाख रुपये का अप्रोक्सीमेट मिनिमम प्लेसमेंट मिल ही जाता है कुछ कोर्सेज का। मैं सारे कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर इस कॉलेज को देख रहे हो तो यार बिल्कुल देख सकते हो, कॉलेज ठीक ठाक है अपने मतलब कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी से भी ठीक ठाक है आपका, और नॉर्थ इंडिया का काफ़ी अच्छा कॉलेज में से भी आता है आपका यूनिवर्सिटी, तो आप इसको देख सकते हो। बाकी इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कुछ और भी तुम्हारे मन में डाउट हो, देखो हर चीज़ ओपनली बोलना सही नहीं होता, कुछ भी अगर डाउट्स हो इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, चाहे कुछ भी अगर लगता है कि भैया मेरे को ये डाउट्स रह गया है, चाहे कुछ भी पूछना हो, ठीक है, तो मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके, देखो मैं किसी थर्ड पार्टी को तुम्हारा नंबर क्या कहता हूँ, और मेरा जो कमेंट्स करोगे, तुम्हारा जो भी मैसेज आएगा मेरे पास तक सीमित रहता, तो अगर तुम्हें कुछ अगर जानकारी लेना हो इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो पर्सनली मेरे से ले सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर जुड़कर। और साथ साथ फ्रेंड अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत मिले कि हाँ मेरे भी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, ताकि मैं भी ऑनेस्टली रिव्यू आप तक पहुँचाते रहूँ, और आने वाले टाइम में जो भी स्टूडेंट होंगे, चाहे जो भी छोटे भाई बहन होंगे, उनको भी बेनिफिट मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलता हूँ अगले वीडियो के लिए।